ये लो 2 लाख रुपए और अपनी माँ को कहीं और छोड़कर आ जाओ। माँ को कहीं और छोड़कर आ जाओ? अरे ऐसे कैसे मैं माँ को छोड़ सकता हूँ, वो मेरी माँ है। हाँ वो तुम्हारी माँ है, वो मेरी माँ नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ रहे। अरे यार परेशान हो चुकी हूँ मैं, उनको बच्चों की तरह पैम्पर करना पड़ता है मुझे, कभी उन्हें बाथरूम ले जाओ, कभी उनकी दिन भर की चाय, कभी खाना, कभी कपड़े धोना, मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैं और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती तुम्हारी माँ को। अरे तो तुम्हें करना तो पड़ेगा ना, घर में रह रही हो तो, और माँ की सेवा तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तुम किस लिए आए हो इस घर में? घर की देख रेख करने के लिए, माँ का ख्याल रखने के लिए? अरे इस घर में तो तुम ही रहती हो ना, तो इस घर में जो कुछ भी है उसका ख्याल तो तुम ही रखना पड़ेगा। और आखिर वैसे भी वो मेरी माँ है, यानी कि तुम्हारी माँ हुई ना, तो तुम्हें भी ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो मेरी कुछ नहीं लगती। और हाँ, तुम मुझे शादी इसलिए करके लेकर आए हो क्या कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूँ? हाँ मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हें इतना ही पड़ी है ना माँ की सेवा की, तो एक नौकरानी रख लो। एक बात बताओ अगम, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ कहाँ है, मैं अपनी लाइफ तो खुलकर जी ही नहीं पा रही, क्योंकि तुम्हारी माँ के आगे पीछे 24 घंटे नौकरानियों की तरह घूमना पड़ता है। मेरी लाइफ तो खत्म ही हो चुकी है बिल्कुल से, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को इन पैसों के साथ कहीं और भेज कर आ जाओ। तो क्या हो गया है तुम्हें, ये कैसी बातें की जा रही हो? मुझे जो भी हो गया है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, बस इतनी सी बात है ना, माँ को कहीं और छोड़ना है? चलो मैं माँ को छोड़ कर आता हूँ। मुझे तुम एक बात और बतानी थी, वो मैं माँ को छोड़ते हुए ना बॉर्डर चला जाऊंगा, और अब मैं 10 साल के बाद आऊंगा वापस बॉर्डर से। क्या 10 साल के बाद? हगम तुम पागल हो गए हो क्या? अभी हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं और तुम 10 साल के लिए बॉर्डर पर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो मन भी नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। अरे मेरे बिना क्यों नहीं रह सकते, तुम तो मॉडर्न लड़की हो, आज की लड़कियाँ तो बहुत आराम से अकेले रहती हैं, और वैसे भी हमारी उस शादी को टाइम ही कितना हुआ है, सिर्फ 6 महीने। अरे उससे पहले भी तो तुम अकेले रहती थी, अब भी रह लोगी तो क्या हुआ अगम? अगर शादी को 6 महीने हुए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अटैचमेंट भी तो इतना बढ़ गया है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और ये तो मेरी मजबूरी है कि तुम फौज में हो और तुम्हें बॉर्डर पर जाना पड़ता है, लेकिन वो उतना टाइम नहीं होता जितना तुम अभी बोल रहे हो, 10 साल ये तो बहुत ज्यादा हो गया अगम, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। वाह रोजी, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा, तुम मेरी लाइफ में 6 महीने पहले आई हो और फिर भी तुम कह रही हो कि तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। अरे तुम खुद ही सोचो, जो माँ अपने बच्चे के साथ 26 साल से रह रही हो, या बच्चा 26 साल से अपनी माँ के साथ रह रहा हो, तुम उसे छोड़ने के लिए कह रही हो? अरे वो माँ कैसे रह पाएगी एक भी पल अपने बच्चे के बिना? चलो रोजी एक बात बताओ, कल को अगर हमारा एक बेटा होगा और अपनी शादी होने के बाद वो तुम्हें घर से बाहर निकाले, तो क्या तुम उसके बिना रह पाओगी? नहीं रह पाओगी ना, तो फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं अपनी माँ के बिना या मेरी माँ मेरे बिना एक भी पल रह पाएगी? रोजी इस दुनिया की चाहे कोई भी ताकत आ जाए ना, फिर भी एक माँ और एक बेटे के प्यार को कभी भी कमजोर नहीं कर सकती है, कभी भी तोड़ नहीं सकती है। और तुम कह रही हो कि मैं अपनी माँ को कहीं और छोड़ दूँ, ऐसी वो भी सिर्फ इन चंद पैसों की वजह से? ये पैसे तुम्हें ही मुबारक हो रोजी। और क्या तुम बोल रही थी, तुम मुझे डाइवोर्स दोगी? अरे तुम मुझे डाइवोर्स क्या दोगी, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, और बहुत जल्दी तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। चलता हूँ। और हाँ रोजी एक बात बता दूँ, माँ का जो प्यार होता है ना, इस दुनिया में हर प्यार से 9 महीना ज़्यादा होता है। और अगर फिर कभी किसी माँ बेटे को अलग करने की सोचोगी ना, सिर्फ तुम्हें हार ही मिलेगी हार।